हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों 10 वर्तमान क्रिकेटर जो दूसरे देश में शामिल हो गए और अपना देश छोड़ दूसरे देश में के लिए खेलने वाले हैं। तो जानते हैं दोस्तों ऐसे कौन कौन से क्रिकेटर है जो अपना देश छोड़कर वर्तमान में दूसरे देश के लिए खेलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, लेट्स गो। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां टीम में जगह बनाने के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है। खासकर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे शीर्ष क्रिकेट खेलने वाले देशों में इस प्रकार की कई बार कुछ खिलाड़ियों को अपने देश के लिए खेलने का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए नियमित क्रिकेट खेलने के लिए किसी अन्य देश में स्थानांतरित होने की आवश्यकता होती है। यहाँ 10 ऐसे क्रिकेटर की हमने सूची तैयार की है दोस्तों, जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शामिल हो गए हैं। तो जानते हैं दोस्तों 10 ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अब किसी और देश के लिए खेलेंगे। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो बढ़ चलते दोस्तों हम अपनी वीडियो की ओर। वर्तमान क्रिकेटर जो दूसरे देश में शामिल हो गए हैं। नंबर 10, जुआन थेरोन। जुआन थेरोन एक दक्षिण अफ्रीका तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें प्रोटियास के लिए सीमित अवसर मिले और चोटों से जूझते हुए उन्होंने 2015 में प्रोटियास टीम को छोड़ दिया। वह दूसरे देश में शामिल हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गए हैं और 2015 में यूएसए की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने के योग्य भी बन गए थे। उन्होंने 13 वनडे और 9 T20 मैच खेले और इंडिया प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल का भी साथ खेलते हुए हमें नजर आ चुके हैं। हमारे इस लिस्ट के 9वें नंबर पे है मार्क चैपमैन। मार्क चैपमैन बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर और एक सक्षम बल्लेबाज है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हांगकांग और न्यूजीलैंड दोनों का प्रतिनिधित्व किया है। 2015 में हांगकांग के लिए पदार्पण के बाद चैपमैन को एहसास हुआ कि वह न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इस तरह हांगकांग के लिए उनकी आखिरी उपस्थिति भारत में 2016 T20 विश्व कप में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ आई थी और दूसरे देश में शामिल हो गए। घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन के बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 2017-18 की घरेलू श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड टीम में पहली बार शामिल होने में मदद मिली। उन्होंने ब्लैक कैप्स के लिए 4 वनडे और इतने ही T20 मैच खेले हैं। हमारे इस लिस्ट के 8वें नंबर पे हेडन वॉल्स। हेडन वॉल्स का जन्म यूएसए के वर्जिन द्वीप समूह में हुआ था और इस प्रकार उनके पास यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों की दोहरी नागरिकता थी। उन्होंने 2018 में यूएसए के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और उनके लिए 8 T20 और 1 वनडे मैच भी खेले। हालांकि उन्होंने 2019 में अपना मन बदल लिया और कैरेबियन टीम का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। अब तक उन्होंने 9 वनडे और 9 T20 मैच खेले हैं और उनके साथ एक सफल करियर बनाने की उम्मीद है। हमारे इस लिस्ट के नंबर 7 पे है अंशुमन रथ। अंशुमन रथ हांगकांग क्रिकेट टीम के कप्तान थे और 2018 एशिया कप में अपनी टीम के उपकप्तान भी थे। हालांकि सितंबर 2019 में उन्होंने हांगकांग क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया और भारत के लिए क्रिकेट मैच खेलने की कोशिश करने के लिए दूसरे देश में शामिल हो गए। जो उनका सपना रहा है वह अब घरेलू टीम में विदर्भ टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने मैन इन ब्लू के लिए एक दिवसीय मैच खेलने की उम्मीद जगाई है। हमारे इस लिस्ट के 6वें नंबर पे इयोन मॉर्गन। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन ने आयरलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और इंग्लैंड में अपना आधार स्थानांतरित करके दूसरे देश शामिल हो गए। उन्होंने आयरलैंड के लिए कुल 23 एक दिवसीय मैच खेले हैं। आक्रामक बल्लेबाज मॉर्गन 2010 T20 विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्हें अपने नेतृत्व में 2019 विश्व कप जीतते हुए देखा गया है। वह इंग्लैंड क्रिकेट का चेहरा बदलने में और उनमें क्रिकेट का एकमात्र ब्रांड स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनसे दुनिया भर के कई गेंदबाजी आक्रमण डरते हैं। हमारे इस लिस्ट के 5वें नंबर पे ड्वेन कॉनवे। ड्वेन कॉनवे ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में गौतेंग प्रांग का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वहां उन्हें मिले अवसरों की कमी से नाखुश थे। राजस्व इकट्ठा करने के लिए उसने अपना सब कुछ बेचने की कोशिश की और अधिक अवसर के लिए दूसरे देश में शामिल हो गए, जबकि उनके पास अन्य पूर्व दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी की तरह कोल पैक डील पर हस्ताक्षर करने का विकल्प था। कॉनवे ने 2017 में न्यूजीलैंड में स्थानांतरित होने का फैसला किया। उन्होंने घरेलू सर्किट पर पूरी तरह से दबदबा बनाया। लगातार 3 सीजन के लिए प्लंकेट शील्ड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने थे और कीवी टीम का प्रतिनिधित्व करने के योग्य होने के कारण कॉनवे को अंततः वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 इंटरनेशनल श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 2 T20 में 41 रन और 65 रन का स्कोर के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अपने घरेलू फॉर्म को देखते हुए वह जल्द ही न्यूजीलैंड की रेड बॉल टीम में भी शामिल हो गए। हमारे इस लिस्ट के नंबर 4 पे हैं जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक है। उन्होंने अंडर 19 विश्व कप में वेस्ट इंडीज की ओर से खेला है, लेकिन अवसरों की कमी के कारण बारबाडोस में जन्मे तेज गेंदबाज अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड चले गए। वेस्ट इंडीज मूल के साथी गेंदबाज क्रिस जॉर्डन ने आर्चर को दूसरे देश में शामिल होने और काउंटी टीम सनसेक्स के लिए अनुबंध हासिल करने में मदद की, लेकिन बिग बैश लीग में होबार्ट हैरिगेन्स और इंडिया प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल के लिए उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें रातों रात सनसनी बना दिया। आर्चर इतने प्रभावशाली थे कि ईसीबी ने प्रवासियों के लिए नियमों में बदलाव करके उन्हें इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया। 2019 विश्व कप विजेता टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और तीनों प्रारूपों में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बने हुए हैं।
हमारे इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे है समी असलम। समी असलम 2015 से 2018 की अवधि में पाकिस्तान के लिए एक विश्वसनीय टेस्ट खिलाड़ी के रूप में विकसित हो रहे थे। 13 टेस्ट और 4 वनडे खेलने के बाद उन्हें फिर कभी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली। असलम भी उन क्रिकेटरों में से एक है जो दूसरे देश में शामिल हो गए और यूएसए क्रिकेट में अपना नया घर ढूंढ लिया और मेजर लीग के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। हमारे इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे है कोरी एंडरसन। न्यूजीलैंड के हरपल मौला खिलाड़ी कोरी एंडरसन खेल के तीनों प्रारूप में कीवी टीम के अहम हिस्सा थे। एक आक्रामक ऑलराउंडर, एंडरसन ने 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 टी20 मैच खेले हैं। वह न्यूजीलैंड को 2015 विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि हाल के वर्षों में जिमी नीसम और कॉलिन डी ग्रैहम जैसे अन्य आने के बाद कोरी एंडरसन चयन के पक्ष से बाहर हो गए। उन्होंने आखिरी बार 2018 में न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था और इस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया और दूसरे देश में शामिल होने वाले क्रिकेटर में से एक बन गए। हमारे इस लिस्ट के पहले नंबर पे मॉर्ने मॉर्कल। एक समय मॉर्ने मॉर्कल तीनों प्रारूपों में डेल स्टेन जैसे खिलाड़ियों के साथ दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। मॉर्कल ने अफ्रीका के लिए 247 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं जिसमें 544 विकेट हासिल किए हैं, उसमें से 309 विकेट टेस्ट में उन्होंने प्राप्त किया है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक मॉर्कल ने इंडियन प्रीमियर लीग में भी सफल समय बिताया है। उन्होंने राजस्थान रॉयल, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल के लिए भी हमें खेलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कुल 70 मैच में 77 विकेट हासिल किए हैं। इतने वर्षों तक अपने देश दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने के बाद मॉर्कल उन क्रिकेटरों में से एक बन गए जो दूसरे देश में शामिल हो गए और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी भी बन गए हैं। स्थायी निवास प्राप्त करने के बाद उन्हें बिग बैश लीग के आगामी सीजन के लिए ब्रिस्बेन हिट द्वारा एक स्थानीय खिलाड़ी के रूप में अनुबंध किया गया है। तो ये थे 10 ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों जो वर्तमान में अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश के लिए खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आज की सूचना यही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।